गुरुग्राम और जीएमडी इनके कोऑर्डिनेशन के साथ इसके प्रमोशन के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स एंड इस रैली से वी वांट कि ज्यादा से ज्यादा इसके यूसेज की अवेयरनेस हो. सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल द डिग्नेटरीज एंड द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू. मैं आपका जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही ईवी के ऊपर विशेष तौर पे बल दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की तो बड़ी एक क्लियर पॉलिसी भी है और उसमें अभी आगे और भी चीजें आने वाली हैं. टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कम एनर्जी में अपना काम चलाना, ये एनर्जी कंजर्वेशन का ध्येय है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का मिशन है. हरियाणा के लिए मैं आपको बताऊं कि करीब 12,000 मेगावाट के करीब हरियाणा में बिजली की खपत होती है, जिसमें से करीब 5,000 मेगावाट थर्मल है और बाकी इलेक्ट्रिसिटी को हम बाहर से लेते हैं और 1,000 मेगावाट करीब इसमें सोलर एनर्जी सम्मिलित है और 1900 मेगावाट अवॉइडेड कैपेसिटी है. यानी कि जितनी एनर्जी 1900 मेगावाट अगर कंजर्व नहीं करते तो वो हमें और खरीदनी पड़ती या बनानी पड़ती. सबसे पहले मैं हरेडा को बधाई देना चाहता हूं जो आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है. 6 या 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हम एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं, ऊर्जा संरक्षण दिवस. ये सिर्फ दिल्ली या भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है. और जैसा कि डॉक्टर विषय बता रहे थे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसका मैं प्रधान हूँ, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हर नागरिक भारत का, भारतवर्ष का हर नागरिक जो भी ऊर्जा यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोयला हो, किसी तरह, तो उसमें किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो. वुड लाइक टू गिव अ थैंक्स टू डीजीबी सर. आप आए अपने व्यस्त समय से निकाल के यहाँ पे. स्पेशल थैंक्स टू योर प्रेजेंस सर ओवर हेयर. मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा डॉक्टर हनीफ कुरैशी साहब को, जो कि सेक्रेटरी एनआरई हैं अपने हरियाणा गवर्नमेंट में.